चलो। हेलो बच्चों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे होंगे? मस्त होंगे और खुश होंगे। चलो तो आज की कहानी को स्टार्ट करते हैं। और आज हमारा लक बहुत अच्छा है कि इलेक्ट्रिसिटी अभी तक नहीं गई है। मैं 15 या 20 मिनट से यही वेट कर रहा था कि इलेक्ट्रिसिटी जाएगी तो नहीं, लेकिन आपकी दुआएं और आपके मन में जो वेट था ना, वो भगवान ने सुन लिया, इलेक्ट्रिसिटी को बचा लिया। अच्छा, कैसे हो रे, क्या हाल चाल है? और बता तू क्या हाल है? बढ़िया, बस आजकल काफी छुट्टियों में खा खा के मोटा हो रहा है, इतना मत खाया कर। और सिस्टर जी, बहन जी, क्या हाल चाल है? बढ़िया। ओहो, पढ़ाई कर रही है सारी बहनें छुट्टियों में? इस बार टॉप तो लड़की ही आएगी, देखो तो बहन को खुश हो रही है बड़ा। ओहो, क्या बात है, आप भी हो क्या क्लास के अंदर? वो देखो पीछे फौज बैठी है। अरे पढ़ लो, जीवन में भला हो जाएगा, है ना? सर पढ़ते तो हम भी है, लेकिन दूसरी पढ़ाई करते हैं, मोबाइल के अंदर SMS पढ़ के। अच्छा, बहुत बढ़िया बेटा, जिंदगी में कुछ तो कर रहे हो ना कुछ। अच्छा, कुछ तो करते रहना चाहिए। देखिए बेटा, ये मोबाइल्स हुए, दोस्त हुए, ये सब एक लिमिट तक है। जब जीवन में आगे बढ़ जाओगे ना, तब कोई काम नहीं आएगा। उस समय सोचोगे कि सर कहते थे, या जो बड़े हमारे अभिभावक है या भाई है या जो भी बड़े हैं, वो कहते सही कहते थे, आज उनकी बात चुभती होगी तुम्हें, है ना? मम्मी जब कहती होगी बेटा पढ़ ले, मम्मी नहीं क्यों गुड़िया, ये जीवन सारा इधर ही पड़ा है। जिस दिन लाइफ में कुछ बन जाओगे ना, तो मजा आएगा। आपके पेरेंट्स आपका नाम ले गर्व के साथ, वो दिन बहुत अच्छा होगा। इसलिए उस दिन के लिए मेहनत करो, ठीक है ना? करेगा ना? क्यों जिंगूर पीछे वालों, समझे? समझ आया कुछ? सर आया हुआ ये सब साफ है इधर, तो चलो साफ है तो बहुत बढ़िया है। चलो आज की कहानी को स्टार्ट करते हैं। चलो इसको रख देते हैं थोड़ा सा साइड में और हम लोग कहानी को शुरू करते हैं। चलो तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है? ओके। चलो देखिए, कल तक हमने चार्ज की जो बेसिक थ्योरी होती है और प्रॉपर्टी होती है, उसको कंप्लीटली डन कर दिया। क्या कर दिया रे? कंप्लीटली डन, यानी कि चार्ज के जितने भी बेसिक बेसिक क्वेश्चन बनते थे वो करवा चुका हूं। हाँ पता है मेरे को होमवर्क, मेरे को पता है होमवर्क जो है वो आज कूलाम्स लॉ की थ्योरी करवा के जब इसकी क्वेश्चन की सीरीज कराएंगे तो उसमें होमवर्क ले लेंगे, क्योंकि क्लास को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं ना डेली। एक सारा थ्योरी पढ़ा लेते हैं और उसके बाद में एक क्वेश्चन की क्लास हो जाती है। पता है फर्स्ट लेक्चर के कितने पार्ट हुए? 4 पार्ट हुए, 2 दिन में कंप्लीट हुआ है। 3 पार्ट पहले ही दिन मैंने डाल दिए थे और चौथा पार्ट कल डाला था मैंने, कल 2 पार्ट डाले, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। डीपीपी अंदर टेलीग्राम आ चुकी है, मॉड्यूल आज डाल दूंगा मैं, ठीक है? भूल गया था ना। चलो तो मॉड्यूल आज कंप्लीटली डन हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद इलेक्ट्रिकल का कोई भी मेटेरियल नहीं रहेगा और एक एमसीक्यू भी डाल दूंगा, 200 क्वेश्चन का है, ज्यादा तो नहीं है, ठीक है? आगे बात समझ में? तो ये भी आप लोग ध्यान रखना। चलो आज मोबाइल को स्विच ऑफ करना भूल गया था, देखो डिस्टर्ब कर दिया है ना, चलो साइड में रख दिया। बहुत बड़ी बीमारी है, दुश्मन है सबसे बड़ा। रिविजन देखते हैं कि अभी हमने क्या पढ़ा। अभी तक हमने जो पढ़ा है वो चार्ज में पढ़ा है, और चार्ज के अंदर क्या क्या चीजें पढ़ी हैं वो भी एक बार आप लोग रिवाइज करते। तो देखिए बात करें चार्ज के बारे में और कुछ रिवाइज करें जो हमने पढ़ा है उसके बारे में, तो बताओ बेटा क्या क्या पढ़ा है? चलो छोटू बता क्या क्या पढ़ा है, चलो मैं सुन रहा हूँ, बोल। हाँ बोल बोल, क्या कह रहे? अच्छा पहले बताते चार्ज कैसी क्वांटिटी, स्केलर है या वेक्टर है, इतना बताते सर। हाँ गुड़िया बोल। तो मेरी बहन कह रही है कि चार्ज जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, बिल्कुल सही बात है। चलो शेर बता, और क्या बताया था मैंने, और बताया होगा ना चार्ज के बारे में? क्या इसके पास डायरेक्शन होती है? क्या डायरेक्शन तो नहीं होती है सर, डायरेक्शन होती है क्या? डायरेक्शन तो नहीं होती है सर, तो और क्या होता है बता जल्दी से।
चलो इसकी है ना, मेरे को SI यूनिट और CGS यूनिट बता दे। इसकी SI यूनिट क्या थी और इसकी CGS यूनिट क्या थी, इतना बता दे, मैं मान लूंगा तेरे को, बताया था। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखो सीखो इससे कुछ, पढ़ो। ऐसा यूनिट गुलाम है, ध्यान रखना। और CGS यूनिट क्या बताई थी, ESU, ऐसे ही चलेगा है ना, इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट। और बोला भी था कि एक गुलाम का मान कितना होता है, याद करो, कल लिखवाया था कॉपी के अंदर, 9 × 10 की घात कितना, 8 लिखवाया था, 9 लिखवाया था, 9 लिखवाया था क्या, देख लेना एक बार, मेरे आई थिंक मैंने 9 लिखवाया था, एक बार चेक कर लेना ठीक है। चलो एक और बताया था, एक गुलाम बराबर 1/10 EMU, आया याद के नहीं रे, आ गया। दो छोटी और बड़ी यूनिट बताई थी, एक फ्रैंकलिन और एक फेराडे, बताया था ना, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू वाले यूनिट्स। चलो बहुत बढ़िया, और बताओ। क्वांटाइजेशन बताया था, चलो ये लो क्वांटाइजेशन, Q बराबर NE, जहां Q क्या है, जितने चार्ज ट्रांसफर हुए हैं उनकी वैल्यू है, कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है, यानी कि Q बराबर चार्ज है, N है जितने हुए हैं उनकी संख्या है, नंबर्स है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। E है जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जिसका मान होता है, बोल बोल बोल, घबरा मत आराम से। यस यस, बहुत बढ़िया। इसने बोला बच्चे ने 1.6 × 10⁻¹⁹ गुलाम जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, ठीक है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव हो जाता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव रहता है, और दोनों का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम रहता है, कैसा रहता है। चलो एक बार देख लो, इसमें कुछ रह गया हो तो बता दो, कुछ नहीं रहा, चलो कुछ भी नहीं रहा तो बहुत बढ़िया। और क्या क्या बोला था, चार्ज की नेचर कैसी होती है, कंजर्वेटिव, कैसी होती है, कंजर्वेटिव होती है, चार्ज हमेशा इनिशियल और फाइनल कंडीशन में कंजर्वेटिव रहता है, बहुत बढ़िया। और क्या बताता, इनवेरिएंट होता है, ये वेरी नहीं करता है। और क्या बताया था, बोलो बोलो, याद करो याद करो, थोड़ा सा दिमाग को घुमाते रहो। अच्छा वेरी गुड, इसने बोला कि फ्लैट सरफेस और कर्व सरफेस पे उनका कंपैरिजन बताया था कि कर्व सरफेस पे जो चार्ज डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फ्लैट सरफेसेस ऑफ चार्जेस। बिल्कुल सही बोला यार, तू आजकल पढ़ने कैसे लग गया है रे, क्या बात है, कुछ गोल वोल बढ़ाया लाइफ में, अरे तेरी तो असर आए। और क्या बताया था, और बताया था चार्ज ट्रांसफर रहता है हमेशा, ठीक है, नेवर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। चार्जिंग के तीन मेथड बताए थे, कौन कौन से, कंडक्शन, फ्रिक्शन और लास्ट इंडक्शन। फ्रिक्शन, दो बॉडी को रब करोगे, एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरे में जाएंगे, कौन सा कहाँ जाएगा ये बॉडी के मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा, वेरी गुड बहुत बढ़िया। उसके बाद में इंडक्शन, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, एक बॉडी के पास चार्ज है तो दूसरी बॉडी पे ऑटोमेटिक चार्ज जनरेट हो जाएगा, वो भी कौन से नेचर का, अपोजिट का हो जाएगा, जो कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए हो, बहुत बढ़िया। कंडक्शन, जब दो बॉडी को टच करोगे तो उनका साज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो इक्वली अमाउंट में होता है, ठीक है। अरे यार इस बच्चे ने बहुत अच्छी बात बोली, पता है क्या बोला सर आपने, ये तो बताया नहीं कि चार्ज के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव, और जब लाइक चार्जेस होते हैं तो उनके बीच में रिपल्सन होता है, और अनलाइक चार्ज होता है उनके बीच में अट्रैक्शन होता है। अरे बड़ा खुश हो रहा है यार बहुत अच्छी बात बताई ना, एग्जाम में आने लायक सवाल है, बहुत बढ़िया साला, झिंगूर कहीं का पढ़ता लिखता है नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, चलो आगे बढ़ जाते हैं, अब हम लोग सीधा सीधा आगे बढ़ेंगे, और एक सेकंड रुकना मेरे, थोड़ा सा अरेंजमेंट। चलो थोड़ा डिफरेंट तरीका लेंगे आज पढ़ाने के लिए। आज पहला काम ये करेंगे, पूरा कूलम्स लॉ मैं आपको मेरे तरीके से समझाऊंगा, जैसे पिछली क्लास में भी किया था ना, सारा पहले मैंने समझा दिया था, एक एक चीज इस बार क्या करूंगा, लिखूंगा भी, ठीक है, उसके बाद में प्रेजेंटेशन को समझाऊंगा, जो मैंने प्रेजेंटेशन तैयार की है कि उसमें क्या क्या चीजें और हैं जिससे तुम्हें नोट्स के थ्रू वो भी समझ में आ जाए। तो ये वाला बोर्ड का जो भी है मेटेरियल होगा वो भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, कहाँ है तो है, पता है ना, KSF पाठशाला फिजिक्स विद PJ सर के टेलीग्राम चैनल में सारा मेटेरियल अवेलेबल है, ज्वाइन करिए और सॉल्व करिए।
देखिए बच्चों, आज हम बात करते हैं गुलाम्स की। गुलाम्स, गुलाम्स लॉ बोले तो गुलाम का नियम। क्या कहा जाता है बच्चों? गुलाम का नियम कहा जाता है। क्या होता है गुलाम का नियम, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले चीज ध्यान रखना, इस तरह का आपने एक रूल्स पढ़ रखा है, ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा था क्लास 11th, चैप्टर नंबर भी 11th ही है वो शायद, है ना? क्या पढ़ा था? मासेस के बीच में फोर्सेस लगता है, अट्रैक्टिव फोर्सेस लगता है, जो किसने दिया था? न्यूटन ने। किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। चलो पढ़े थे ना, उसी के सिमिलर है। थोड़ा सा कट रहा है इसके अंदर ना, थोड़ा सा साइड में लिख देता हूँ, इसमें कट रहा है मेरे को अभी पता चला। चलो ये भी नहीं दिख रहा क्या? ठीक है, गुलाम सुनो, गुलाम का। तो सबसे पहली चीज मैंने क्या बताई बच्चों, ये किसके सिमिलर है? ग्रेविटेशन फोर्स के, जो अट्रैक्टिव नेचर का होता है उसके जस्ट सिमिलर है, ये ध्यान रखना। कल मैंने आपको एक बात बताई थी, याद है तुम लोगों को? जैसे ही चार्ज पढ़ रहे थे तो वहां पे एक पहली प्रॉपर्टी पीपीटी के थ्रू बताई थी मैंने कि चार्ज होने का मतलब ही यही है कि वो फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस करे, कि उनके बीच में फोर्स लगे या उनके बिटवीन क्या लगे, फोर्स लगे। एक्सपीरियंस ए फोर्स इज देन चार्ज प्लस ए सम डिस्टेंस। इफ यू नो वेन वी कैटेगराइज द चार्ज, दैट इज टू टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, देन अनदर क्लासिफाइड वी लर्न दैट द फोर्सेज आर ड्यूअल नेचर्स, फर्स्ट इज अट्रैक्टिव एंड सेकेंड इज रिपल्सिव। अट्रैक्टिव कब होगा? लाइक चार्जेस या अनलाइक चार्जेस? अनलाइक चार्जेस। रिपल्सिव कब होगा? लाइक चार्जेस, यानी कि दो चार्ज होना चाहिए। तो कभी भी फोर्सेस की बात की जाएगी तो दो चार्ज के लिए की जाएगी, सबसे पहली चीज तो। और एक चीज, जब हमने चार्ज को स्टार्ट किया तो एक प्रॉपर्टी बताई थी कि सारा काम जो है वो किसमें करते हैं, हम लोग सारा काम पॉइंट चार्ज के लिए करते हैं। दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात, क्या चार्ज मूविंग होना चाहिए इसमें भी? नहीं, इसमें भी चार्ज कैसा होना चाहिए? स्टेशनरी या स्टैटिक होना चाहिए। तो तीन बातें बड़ी बड़ी क्या समझ में आई? पहली बात बोलो अच्छे से, पहली बात बोलो चार्ज जो है वो पॉइंट चार्ज होना चाहिए। दूसरी बात बोलो स्टैटिक होना चाहिए या मोशन में होना चाहिए? स्टैटिक होना चाहिए। और तीसरी बात क्या बोली थी बताओ? अभी जस्ट अभी तीन बातें बोली ना, स्टैटिक होना चाहिए, मोशन में नहीं होना चाहिए, पॉइंट चार्ज होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पॉइंट चार्ज होना चाहिए। और क्या बोला था तीसरी बात? बोलो 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 बोलो। सर आप भूल गए, मैं तो नहीं बोला हूँ, तुम लोग बोलो, तुम्हारे मुंह से बुलाना चाहता हूँ मैं, ठीक है ना, ताकि तुम लोग कुछ बोलो। दो चार्ज होने चाहिए, ठीक है? चिंगूर कहीं के यहाँ के निकाल रहे हो। चलो, तो गुलाम ने कहा कि हमारे पास में दो चार्ज हो जाए, एक हो जाए Q1 और एक हो जाए Q2, ठीक है? और इन दोनों चार्ज को कुछ डिस्टेंस पे रखा जाए, और वो डिस्टेंस जो है हम आर मान लेते हैं। कितनी मान लेते हैं? ये इसके बीच के डिस्टेंस। अच्छा, तीसरा पॉइंट बोला था कि ये फोर्सेस जो होते हैं अट्रैक्टिव और रिपल्सिव होते हैं, ये बोला था क्या? चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जो एक फोर्स लगेगा, उस फोर्स को कहा जाएगा इलेक्ट्रिकल फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर विद्युत बल कहा जाएगा। विद्युत बल कहा जाएगा। और ये लगने वाला जो स्थिर विद्युत बल होगा वो कैसे कैसे जो है वो डिपेंड करेगा। तो गुलाम्स ने बोला था कि ये जो फोर्स लगता है वो दोनों चार्ज के मल्टीपल के प्रोपोर्शनल और दोनों की डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल के स्क्वायर के बराबर होता है। ये चीज हम लोग कल भी पढ़े थे, ए प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ए प्रोपोर्शनल टू 1/r², ठीक है?
एक चीज ध्यान रखना, जैसे कि हमने बातें लिखी थी, क्या क्या बातें लिखी थी ध्यान से सुनिए। हमने लिखा कि ये तो चार्ज कैसे होने चाहिए, स्टेशनरी होने चाहिए। पेन से क्या सही आ रहे हैं, थोड़ा सा लिखा नहीं जा रहा। चलो ये पेन सही आ रहा है, पतला वाला। तो चार्ज कैसे होने चाहिए, स्टेशनरी होने चाहिए, एक बात ये लिखी। दूसरी चीज हमने क्या बताई कि ये 2 पॉइंट चार्ज के लिए होता है, और आगे बताते हैं जो जो बातें बताऊंगा वो यहाँ लिखता रहूंगा। तो 2 पॉइंट चार्ज के बीच में होता है, इसका नेचर जो है वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव भी हो सकता है। तो बोला गया कि जब यहां से प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटा दिया जाए तो एफ की वैल्यू क्या है। तो यहां से एफ इलेक्ट्रिकल जो आएगा आपका वो आएगा के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, जहां पे के जो है वो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। और इस के का जो नाम होता है उस के को हम लोग जो है वो कभी कभी प्यार से भी बुलाते हैं, जैसे तुम लोगों को प्यार से नहीं बुलाते क्या। चलो तो इसको के को कहते हैं कुलामीय नियतांक। तो इस के का क्या नाम हो गया, कुलामीय नियतांक हो गया। और इस के का मान भी होता है, इस के का जो मान होता है वो होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कुलाम स्क्वायर। कितना होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कुलाम स्क्वायर, ये भी ध्यान रखना ठीक है। और एक चीज होती है बेटा कि ये जो फोर्स लगता है वो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, यानी दो सेंटर को मिलाने वाली जो जॉइनिंग लाइन होती है उनके अकॉर्डिंग लगता है, उनके अकॉर्डिंग लगता है, यानी एक सेंट्रल फोर्स कह सकते हो या लाई ऑन द सेंटर ऑफ जॉइनिंग लाई ऑन द जॉइनिंग लाइन ऑफ टू चार्जेस। दोनों चार्जेस को मिलाने वाली जो लाइन है उनके अकॉर्डिंग लगता है, ये भी ध्यान। आई बात समझे, पॉइंट चार्ज होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, पॉइंट चार्ज, चार्ज मोशन में या स्टेशनरी, स्टेशनरी होना चाहिए, और दो दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन है उनके सेंटर के अकॉर्डिंग या उनके डायरेक्शन में लगता है, ये भी ध्यान रखना। तो एफ जो होता है वो दोनों चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है और वन अपॉन आर स्क्वायर। सर आपने यहाँ पे ये तो लिखा ही नहीं कि अगर दोनों की नेचर सेम हो जाए या दोनों की जो नेचर है वो अपोजिट हो जाए, अलग लाइक चार्जेस आ जाए या अनलाइक चार्जेस आ जाए तब क्या होगा, ये कहानी तो सर आपने बता ही नहीं, अभी बता देते हैं, क्यों घबरा रहा है, क्यों टेंशन ले रहा है। चलो तो मेरे कहने का क्या मतलब है, ध्यान से सुनिएगा। अभी हमने पढ़ा कि दो चार्ज हो जाए क्यू वन और क्यू टू, ये इनको मिलाने वाली लाइन के अनुदिश लगता है जिसका मान होता है आर। कितना होता है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। सपोज दैट ये चार्ज भी पॉजिटिव हो जाए और ये चार्ज भी पॉजिटिव हो जाए, यानी दोनों चार्जेस कैसे हो गए, लाइक चार्जेस। कैसे हो गए रे बेटा, लाइक चार्जेस। और जब दोनों चार्जेस की नेचर सेम हो जाएगी, जरूरी नहीं है कि दोनों चार्जेस पॉजिटिव रहे, अगर दोनों चार्जेस नेगेटिव भी हो जाए तब भी कौन सा फोर्स लगने वाला है, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। यानी कि ये दोनों चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर जाने की ट्राई करेंगे। तो ये जो है इसको यहाँ पे फोर्स लगाएगा और ये जो है वो यहाँ पे फोर्स लगाएगा। एक सेकेंड, एरो नहीं आ रहा ना, कैमरा थोड़ा सेट करता हूं मैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम हो गया सुबह सुबह। चलो अब ध्यान से सुनना कि यहां पे जो फोर्स लग रहा है वो कहां लग रहा है, पहले पे या दूसरे पे, बोलो। मैं बात कर रहा हूं क्यू वन चार्ज की, अरे किसकी बात कर रहा हूं, क्यू वन चार्ज की, ठीक है। ये रहा मेरा क्यू वन चार्ज, आ रहे चलो आगे दिख गए। अब देखो ध्यान से सुनो, मेरा क्यू वन चार्ज कहां पे है, ये रहा क्यू वन चार्ज,
इस Q1 पे फोर्स कौन लगाएगा? सेकंड वाला। सेकंड वाला बोलेगा चल हट, क्या कहेगा? चल हट दूर जा। तो ये दोनों कैसे है? दुश्मन की तरह है। कैसे है? दुश्मन की तरह। ये कभी भी पास में रहना पसंद नहीं करेंगे, ये कभी चाहते ही नहीं कि एक दूसरे से बातें करें। तो ये अलग अलग होना चाहते, दूर होना चाहते, ज्यादा मत सोच। चलो तो क्या कहा मैंने ध्यान से कि ये दोनों चार्ज है वो अलग अलग जाना चाहते। तो ये कौन सा चार्ज है? पहला। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है कि पहले वाले चार्जेस पे फोर्स कौन लगा रहा है? दूसरा वाला। तो इसको लिखते हैं F12। क्या लिखते हैं? F12। अब आ जाओ यहां पे, वापिस फोर्स लगेगा कहां खड़े हो? दूसरे पे। कौन लगाएगा? पहला वाला। तो फोर्स ऑन चार्ज वन डू यू टू चार्ज टू, इसको कहा जाएगा F12। इसी तरीके से देखोगे आप फोर्स ऑन चार्ज टू डू यू टू चार्ज, इसका नाम होगा F2। ध्यान से देखो कि एक की डायरेक्शन इधर है तो दूसरे की कहां है? इधर। तो दोनों की डायरेक्शन कैसे आ रही है? अपोजिट। कैसी आ रही है? अपोजिट। लेकिन मैग्नीट्यूड कैसा आएगा वो भी देख लेते हैं। तो जब हम लोग F12 निकालेंगे तो वो आएगा K Q1 Q2 upon R2, और जब हम F21 भी निकालेंगे तो क्या आएगा? K Q1 Q2 upon R2। यानी कि दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो कैसा आ रहा है? सेम, लेकिन डायरेक्शन कैसी आ रही है? अपोजिट। तो क्या कहेंगे? F12 बराबर माइनस F21, यानी कि यहां पे वेक्टर इन्वॉल्व हो गया। यानी हम लोगों को वेक्टर्स बनाने पड़ेंगे और आगे जाके वेक्टर्स के काफी सारे लॉज भी लगा के आपको रिजल्टेंट फोर्सेस, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिकल फील्ड और रिजल्टेंट पोटेंशियल भी निकालना है। ठीक है, तो वेक्टर्स का भी कुछ पोर्शन की नॉलेज होनी चाहिए। 11th में पढ़ा था ना, ध्यान से पढ़ा होगा अच्छे से, बहुत मन लगा के। चलो तो क्या बताया कि यहां पे पहले पे फोर्स लग रहा है दूसरे के कारण, दूसरे पे लग रहा है पहले के कारण, ये चीज बता दी। अगर सपोज दैट एक की नेचर हो जाए पॉजिटिव और दूसरे की नेचर हो जाए नेगेटिव, कैसी हो जाए? नेगेटिव। तब क्या होगा? तब ध्यान से देखना, ये हमारे पास में एक चार्ज और ये दूसरा चार्ज, पहले वाला Q1 दूसरा वाला Q2, ये पॉजिटिव नेचर का रहेगा हमारे पास में और ये नेगेटिव नेचर का रहेगा। तो सीधी सी बात है कि दोनों कैसे लाइक है? अनलाइक चार्जेस है, अनलाइक चार्जेस। और हमने पढ़ा था व्हेन टू अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, क्या पढ़ा था? व्हेन टू लाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, यानी जब समान प्रकृति के आवेश होते हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और उनके बीच में क्या लगता है? आकर्षण बल लगता है। तो क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, ये चार्ज बुलाएगा इसको कि मैंने बुलाया तुम्हें, तुम आ जाओ। ये कहेगा मैंने बुलाया तुम्हें, तुम आ भी जाओ। तो इसका नाम बोलो F12, इसका नाम बोल F21। यहां पे भी दोनों अपोजिट लग रहे हैं कि नहीं लग रहे? तो डायरेक्शन बनानी आनी चाहिए। एक ही बात ध्यान रखना, प्रकृति समान दूर फेंक दो, क्या करो? दूर चले जाओ, प्रकृति अलग अलग पास आ जाओ। यानी कि फ्रेंड्स अच्छे कब है? जब दोनों अपोजिट नेचर के। क्या हुआ भाई, अभी समय मेरा पढ़ लो, है ना? बड़ा मुस्कुरा रहा जैसे बोला कि दोनों की नेचर अपोजिट है, पता नहीं दिमाग में क्या सोचने लग गया। चलो तो क्या कहा कि जब दोनों की नेचर अपोजिट होगी तो अट्रैक्शन फोर्स लगना है और जब दोनों की नेचर सेम होगी तो रिपल्सन फोर्स लगना है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, कब दोस्त है और कब दुश्मन है। यानी कि प्लस प्लस साथ में दिखे, माइनस माइनस साथ में दिखे तो कैसी नेचर है? रिपल्सन की। प्लस और माइनस साथ में दिखे तो कैसी नेचर है? अट्रैक्शन की। यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रहेंगे या नेगेटिव नेगेटिव चार्ज पास में रहेंगे तो रिपल्सन की नेचर होने वाली है। एक प्लस और दूसरा माइनस तो कैसी नेचर होने वाली है? अट्रैक्शन की। इस बात का ध्यान रखना मेरे बच्चे और ध्यान से समझना। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, एक बार देखो अच्छे से देखो।
यहाँ पे कुछ समस्या है क्या? ध्यान से देख लो अच्छे से। सर आप थोड़ा साइड में हो जाइए, बोर्ड पूरा भरता दिखता नहीं है, यहाँ पे खड़ा नहीं रह सकता, चलो थोड़ा साइड में हो जाओ, एक बार देख लो जो बताया उसमें कोई समस्या है तो ध्यान से देखो। चलो अब ध्यान से देख अच्छे से समझ लो। एक चीज और है इसके अंदर कि सर आपने बताया F बराबर के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर। सर ये तो समझ में आ गया कि के जो है वो कुलाम ये कांस्टेंट है, या कुलाम कांस्टेंट भी कुछ लोग इसे कहते हैं। एक मैंने के की वैल्यू लिखी थी, याद है क्या तुम लोगों को? बोलो तो। गुड़िया तू बता। अच्छा क्या बोला? 9×10⁻¹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कुलाम स्क्वायर। क्या बात है, यूनिट रट ली तुम लोगों ने। 9×10⁻¹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कुलाम स्क्वायर। सही है यूनिट? बोलो। बिल्कुल सही है यार। के का यहां से फॉर्मूला निकाल दो ना, एफ आर स्क्वायर अपॉन क्यू वन क्यू टू, तो यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे यूनिट मिल जाएगी और मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। लेकिन के बराबर एक चीज और होती है, 1/4πε, और ये एप्सिलॉन कुछ कहलाता है। इस एप्सिलॉन को कहते हैं परमिटिविटी। सर हिंदी भूलना मत, विद्युतशीलता। ये क्या चीज है ध्यान से समझना। अभी मैंने कुछ भी मीडियम, कुछ भी एयर स्पेस कुछ नहीं लाया है, ध्यान से समझना पहले। देखो बेटा, एप्सिलॉन नॉट का मान, देखो फोर्स को मैक्सिमम रखना चाहते हो आप, उसके लिए के भी क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। और के मैक्सिमम कब होगा? एप्सिलॉन नॉट का मान मिनिमम से मिनिमम हो जाए। क्या हो जाए? मिनिमम से मिनिमम हो जाए। तो ध्यान से सुन, सबसे मिनिमम मान जो होता है वो इनका एयर के लिए होता है, या हम लोग कह सकते हैं वैक्यूम के लिए, फ्री स्पेस के लिए। हिंदी वाले वैक्यूम को क्या कहते हैं पता है ना? निर्वात। क्या कहते हैं? निर्वात, जहां हवा होती ही नहीं। दोनों केसेस में सेम आता है, ये भी ध्यान रखना। इसीलिए इसको कहा जाता है एप्सिलॉन नॉट। क्या कहा जाता है? एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो परमिटिविटी ऑफ इसे वैक्यूम भी कहते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, तो इसका नाम होगा इसकी जो मिनिमम से मिनिमम वैल्यू होती है वो इसके लिए ही होती है, और ये होती है 8.85×10⁻¹². देखो इसकी यूनिट याद मैं करवाता ही नहीं, कभी नहीं करवाता। मैं बोलता हूं कि के की जो यूनिट है उसको उल्टा कर दो, यानी कुलाम स्क्वायर को ऊपर ले आओ और नीचे न्यूटन मीटर स्क्वायर लिख दो, तो क्या बन गया? कुलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर बन गया। आगे बात समझ में? ये सवाल पूछा गया था इस साल के बोर्ड के पेपर में, नहीं पूछा। इससे पिछले साल जो बोर्ड का पेपर था उसका पहला क्वेश्चन ही यही था कि निर्वात की विद्युतशीलता का मान कितना होता है, द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम्स कितनी वैल्यू होती है, 8.854×10⁻¹². बच्चों ने तो यूनिट से किया नहीं, उन्होंने केवल वैल्यू देखी। क्या देखी बेटा? वैल्यू। फंस गए, एक ही वैल्यू के दो मान, तो किसी ने जय माता दी लगाया तो किसी ने जय बाबा की लगा दिया। तो कहने का मतलब है कि मैं यूनिट के लिए एक ही बात बोलता हूं कि
जो यूनिट के होती है ना उसकी उल्टी यूनिट याद करो आप, ये ध्यान रखो। तो इसकी यूनिट क्या हो जाती है, गुलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर। तो इसीलिए हम कभी भी फॉर्मूला लिखते हैं तो उसमें के का मान जब लिखेंगे तो एफ बराबर के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर लिखते हैं, लेकिन एफ बराबर वहां पे वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ मिलता है। तो इसका कारण क्या आपको समझ में आ गया, तो ये मिनिमम वैल्यू के लिए लिखा है ताकि फोर्स क्या आ जाए मैक्सिमम। तो मैक्सिमम फोर्स कहां आता है वो भी मैंने बता दिया, वैक्यूम या एयर में। कब आएगा, जब हमारा एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाए मिनिमम, जो किसके लिए होता है वैक्यूम या एयर के लिए। अब क्या होगा, अब हम लोग मीडियम जो है वो इंसर्ट करेंगे चार्जेस के बीच में। जैसे ये दो चार्जेस है, इन दो चार्जेस के बीच में किसी ना किसी डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट या कोई ना कोई मीडियम जो है हम लोग इंसर्ट करेंगे, ये ध्यान रखना। तो जैसे ही डाइलेक्ट्रिकल इसके बीच में फील होगा तो क्या होगा कि ये फोर्सेस को कम करने की ट्राई करेगा, क्या करेगा फोर्सेस को कम करने की ट्राई करेगा, यानी मीडियम का काम यही है कि फोर्सेस को कम करना। यानी अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी, बढ़ने लगेगी, और जैसे जैसे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बढ़ेगी तो फोर्स क्या होगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी एक बात ये कह सकते हैं कि मीडियम का जो फोर्स रहेगा ना वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा, किसके कंपेयर में, वैक्यूम या एयर के कंपेयर में। आई बात समझ में, तो इस चीज का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अब जैसे अपन मीडियम में आए, जैसे सबसे पहले हमने लिखा एफ नॉट, किसके लिए निकाला, वैक्यूम के लिए एयर के लिए। तो ये कितना आया हमारे पास में, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर। इसी तरीके से हम निकाले किसके लिए, मीडियम के लिए, तो क्या आएगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन मीडियम क्यू वन क्यू टू बटे आर। इक्वेशन वन इक्वेशन टू को डिवाइड कर लो, वन इक्वेशन डिवाइडेड बाई टू, तो क्या बना एफ नॉट अपॉन एफ मीडियम इक्वल्स टू, देखो ये कट रहा है तो क्या बचा एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये बच गया दोनों इक्वेशन। इन दोनों को कहा जाता है एप्सिलॉन आर, जिसे कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। सापेक्ष विद्युतशीलता, क्या कहते हैं बेटा, सापेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं। तो ये दोनों रिलेशन आपको याद होने चाहिए, ध्यान रखना। तो कभी कभी पूछे एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर एप्सिलॉन, और कभी कभार इसको के भी कहा जाता है, डाइलेक्ट्रिकल कॉन्स्टेंट। आगे बात समझ में, तो ये पूरी स्टडी मैंने करवा दी कि मीडियम के लिए क्या है, एयर के लिए क्या है, और क्या एप्सिलॉन होता है। तो एप्सिलॉन जो होता है वो सबसे पहले मैंने आपको बताया परमिटिविटी होता है, ये मिनिमम रहना चाहिए, तो किसके केस में रहता है, वैक्यूम और एयर के केस में रहता है। तो फोर्स क्या आ जाती है, मैक्सिमम। अब जैसे आप क्या करोगे, मीडियम को इंसर्ट करोगे तो क्या होगा, ऑयल है मोम है कुछ भी है उसमें इंसर्ट करवाओगे तो क्या होगा, फोर्स की वैल्यू कम होना स्टार्ट हो जाएगी। आगे बात समझ में। अब मैं यहां पर एक चीज पूछता हूं कि मीडियम के अंदर कितना फोर्स कम हुआ, यानी कि यहां पे हमने एक रिलेशन लिखा है एप्सिलॉन नॉट सॉरी फोर्स ऑन वैक्यूम अपॉन फोर्स अपॉन मीडियम दैट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर या के। मान लो के परावर्तितांक का मीडियम भर दें तो इक्वेशन क्या बनने वाली है, ये बनने वाली है, क्या बनने वाली है, ये बनने वाली। तो मीडियम का फोर्स क्या बनेगा कि जो फोर्स हमारा वैक्यूम में आएगा, जो फोर्स हमारा वैक्यूम में आएगा या एयर में आएगा वो उसे के गुना क्या कर देगा, कम। तो ये क्या कर देगा, के गुना कम कर देगा। अरे आई बात बच्चा समझ में कि नहीं, बोलो आगे बात समझ में। तो ये यहां तक गुलाम्स के अंदर डिटेल सारी चीजें मैंने बता दी, एक बार देखो अच्छे से बेटा। तो नीचे वाली चीज नहीं आई क्या, अच्छा अच्छा कौन सी नहीं आई, अच्छा यहाँ पे एक चीज नहीं आई, ये आ चुका है, अच्छा ये वाला नहीं है ना। मीडियम का फोर्स रहेगा ये वाला, चल अभी भी ये भी नहीं आया, अब तो आ गया सब, चल आगे बात समझे। ये कुलाम्स के अंदर डिटेल्स में सारी सारी बातें कर दी, ये भी ध्यान रखो। देखो जल्दी से
एक चीज बताई थी, ये पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है। एक चीज ये भी ध्यान रखना, ये स्पेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी वैलिड होता है। किसके लिए बोला? स्पेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी वैलिड होता है, ये ध्यान रखना। तो इसमें लिखेंगे स्पेरिकल चार्ज सिमेट्री में भी ये लगता है। फिर क्या बताया? फिर मैंने आप लोगों को बताया ये इनवर्स लॉ को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? इनवर्स लॉ को। और एक चीज बता दूं, तो ये इनवर्स लॉ को तो फॉलो करता ही करता है, इसकी रेंज कितनी होगी? क्या कहना चाहते हैं? इसकी रेंज कितनी होगी? तो इस फोर्स की रेंज जो होती है ना, वो इंफिनिटी होती है बेटा, ये भी ध्यान रखना। तो फोर्स की रेंज क्या रहने वाली है? इंफिनिटी रहने वाली है, ये भी ध्यान रखना। ये फोर्सेस कहाँ कहाँ लगते हैं? ये फोर्सेस जो है वो डिस्टेंस पे लगते हैं, ये भी ध्यान रखना। चलो हो गया, और बताओ क्या होगा? तो एक चीज और ध्यान रखना, ये फोटोन का जो है वो मेडिएट होता है, यानी ये मेडिएटेड होते हैं फोटोन से। ये चीज और बता दी मैंने एक्स्ट्रा, जो जो मैं नहीं बता पाया था, मेरे दिमाग में थी वो बता। एक चीज बताई थी, ये जो फोर्स लगता है वो दोनों लाइन के जॉइनिंग के लगता है, वो लाइन मैंने बताना भूल गया होगा। ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो इसको दोनों चार्ज को मिलाने वाले सेंटर से जो लाइन मिलाते हैं ना, वह इसका सेंटर कहाँ होगा? यहाँ होगा। इसका सेंटर कहाँ होगा? यहाँ होगा। इसी के अकॉर्डिंग फोर्स लगेगा। कैसे? ध्यान से सुनना समझना, कि इसका फोर्स यहाँ लगना है, इसका फोर्स यहाँ लगना है। वो भाई साहब क्या करें, ऐसे लगा, ये F12 तो नाम दे दिया, ये F21 नाम दे दिया, लेकिन इसको भी इसने F21 दिया, ये बेटा गलत है। क्यों? इन दोनों सेंटर को मिलाने वाली लाइन कैसे जाएगी? ऐसे जाएगी, तो यहीं पे लगाना है फोर्सेस, ध्यान रखना। तो दोनों की नेचर अपोजिट हो, दोनों के फोर्सेस दूर बना दो, सेम हो तो एक दूसरे की तरफ बना दो। आई बात समझ में? ये कूलम्स लॉ के बारे में बेसिक बेसिक चीजें बताई, कि जब दो चार्जेस को कुछ डिस्टेंस पे रखा जाता है तो एक फोर्स लगता है, उस फोर्स की नेचर अट्रैक्शन भी हो सकती है और रिपल्सन भी हो सकती है, और ये फोर्स है दोनों चार्ज के मल्टीपल के प्रोपोर्शनल, उनकी बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कहाँ कहाँ लगता है? पॉइंट चार्ज। और एक नई चीज बताई, स्पेरिकल चार्ज सिमेट्री में भी लगता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इनवर्स लॉ को फॉलो करता है, रेंज बता दी, ठीक है। ये मेडिएटेड होता है किससे? फोटोन से होता है। और भी काफी चीजें बताई मैंने तुम लोगों को, ध्यान से देखना। ये वाली चीजें मैंने बताई, किससे रिलेटिंग? ये परमिटिविटी से रिलेटेड चीजें बताई, कूलम्स के अंदर क्या क्या चीजें काम आती है। अब थोड़ी सी बातें और करते हैं, और कूलम्स का वेक्टर फॉर्म लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम। अब ध्यान से देखें, जैसे हमने लिखा एफ बराबर Q1 Q2 अपॉन R, मेरे दिमाग में आया कि मैं इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखूं। तो जैसे ही मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो क्या होगा? तो वेक्टर मतलब डायरेक्शन, तो इसके साथ में क्या आ जाएगी? डायरेक्शन आ जाएगी। तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इनटू R। R को टोपी पहना देना, क्या पहना देना? टोपी पहना देना, ये इसकी वेक्टर फॉर्म हो जाएगी। और कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इनटू दिस अपॉन दिस। और फिर कुछ लोग इसको ऐसे कर देते हैं, K Q1 Q2 अपॉन R³ टू वेक्टर R। ये क्या क्या कर दिया सर आपने? देखो ध्यान से, आप लोगों को पता है कि हम लोग जो यूनिट वेक्टर पढ़ते हैं वो क्या होता है? वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैंने यही लिखा है, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये आर मैग्नीट्यूड को मैंने आर बनाया, इसका गुणा कर लिया तो क्या बन गया? R³ बन गया। तो आप सिर्फ इतना ही ध्यान रखना कि जब आप इसको वैक्टर बना रहे हो ना, तो आर के साथ में डायरेक्शन लगा दो, टोपी पहना दो। क्या पहना दो? टोपी। और जैसे ही टोपी पहनाओगे तो क्या होगा? वैक्टर अपॉन वैक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा? अरे वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और ये वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? R³। क्या आ जाएगा? R³। अब सुनो ध्यान से, कहानी को समझो बच्चों।
ये क्यू वन चार्ज, ये क्यू टू चार्ज, दोनों में फोर्स लगेंगे एफ वन टू और एफ टू। किसी ने बोला कि इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो आर वन और इसका पोजीशन वेक्टर आर टू। अब मुझे निकाल के बताइए एफ वन टू और एफ टू वन। तो कुछ लोग क्या करेंगे, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर क्यूब आता है नीचे, तो आर वन टू क्यूब कर देंगे और वेक्टर आर इसको लिखेंगे तो क्या करेंगे, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर टू वन का क्यूब करेंगे और आर टू वन का वेक्टर आ जाएगा। अब उनसे आर वन टू और आर टू वन ही निकलेगा, तो वो क्या करेंगे, आर वन टू को कैसे समझना है, तो हम कहाँ खड़े हैं, वन पे, कहाँ खड़े हैं, वन पे, तो फोर्स कौन लगाने वाला है, टू, तो इसका इनिशियल पॉइंट टू का कौन है, टू ही है, तो फाइनल क्या हुआ, वन। तो आर वन टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर वन टू हो जाएगा आर वन माइनस आर टू, और अगर आर टू वन कहे तो क्या हो जाएगा आर टू माइनस। समझ में आया, कैसे, ध्यान से सुनना, हम कहाँ खड़े हैं, वन पे, लगाने वाला कौन है, टू, तो जो लगाने वाला है वहां से कहानी को शुरू करो, इसको इनिशियल बनाओ, ये क्या बन गया, फाइनल। इसी तरीके से आर टू वन पे देखो, किस पे देखो, आर टू वन पे, तो लगाने वाला कौन है, वन, वन इनिशियल बन गया तो टू क्या, सॉरी टू क्या बन गया, फाइनल, तो क्या आ गया आर टू माइनस आर। तो इसको और अच्छे तरीके से लिखना चाहो तो क्या बन जाएगा, एफ वन टू बराबर के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर वन माइनस आर टू का क्यूब ऑफ वेक्टर आर टू माइनस वेक्टर आर वन। एफ टू वन बराबर के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर टू माइनस आर वन का क्यूब वेक्टर आर टू माइनस आर टू, ये बन जाएगा। आई बात समझ में, अब थोड़ा सा ध्यान से देखना और समझना, एक क्वेश्चन है मेरे पास में, के दो फोर्सेस रखे हुए हैं, सॉरी फोर्सेस क्या, दो चार्जेस रखे हुए हैं, उनके बीच में फोर्स एफ नॉट लग रहा है और उसके बीच में 81 डायलेक्ट्रिकल कांस्टेंट का जो वो मटेरियल फील कर दिया हम लोगों ने दोनों चार्जेस के बीच में, तो बताना है कि उस मीडियम के अंदर कितना फोर्स लगेगा। तो अभी हम लोग पढ़ के आए थे, एक रिलेशन पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, एफ मीडियम जो होता है वो होता है एफ नॉट अपॉन के। सर कहाँ पढ़ा था बताना तो आप लोग, ये रहा थोड़ा सा पीछे, ये बड़ा है, बस ये काम में ले ले तू, एफ नॉट अपॉन 81 कर ले इसको, तो ये मीडियम का फोर्स आ जाएगा एफ नॉट अपॉन 81। चलो कुछ क्वेश्चन और देख लेते, एक बार देख लें कुछ चीज़ें रह तो नहीं गई ना, ठीक है ना, फिर हम लोग इस पर क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। चलो सारी बता दिए मैंने, ठीक है, चलो एक चीज़ और अच्छी बात है वो बता देते हैं तुम लोगों को। देखो पहले लाइन को सुनना, मैं लिख ही देता हूँ जिससे तुम्हारे अंदर ना थोड़ी सी फील आ जाए अच्छे से। अच्छी बात, बात बहुत अच्छी लिखी हुई, ध्यान से सुनना, स्टेटमेंट है बेटा, क्या स्टेटमेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू वन चार्ज डज नॉट डिपेंड्स अपॉन अदर चार्जेस और मीडियम प्रेजेंट बिटवीन। क्या बोला, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू वन चार्ज, एक वन चार्ज के लिए बात करोगे ना तो वो किसी दूसरे के ऊपर चाहे वो मीडियम हो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये ध्यान रखना। कैसे, मैं समझाऊंगा, एक और स्टेटमेंट देखो, लेकिन जब नेट की बात करेंगे ना, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज
डिपेंड्स ऑन मीडियम। देखो कैसे ध्यान से सुनना है, जैसे कि मेरे पास एक चार्ज था क्यू वन, ठीक है, और ये फ्री स्पेस था, तो यहाँ पे मैंने क्यू वन चार्ज लिया और यहाँ पे क्यू टू चार्ज लिया, तो सीधी सी बात इसके कारण इसका क्या फोर्स आना है, रिपल्सन फोर्स आना है, चलो इसके नेचर नेगेटिव ले गया, अट्रैक्टिव फोर्स आना इधर आना है, इसका अट्रैक्टिव इधर आना है। तो अब देखो इस सिंगल चार्ज में इसके होने से या इसके होने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, लेकिन जब अब मेटेरियल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ठीक है, मीडियम का सॉरी, ये जो चार्ज मैंने रखा है इसके और इसके बीच में बात कर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये ध्यान रखना, और जब हम इसकी और इसकी बात करेंगे तो मीडियम का यहाँ पे भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन जब पूरे सिस्टम की बात करेंगे तो मीडियम की डिफरेंस ही रहेगी। एंड जब सिंगल चार्ज जो है वो दूसरे पे फोर्स लगा रहा है तब मीडियम का कोई रोल नहीं है, लेकिन जब नेट चार्ज आ जाएगा तो वहां पे मीडियम का रोल रहेगा। इस बात को ध्यान और दिमाग और खोपड़े में रखना ये मेरे बच्चों। चलो तो ये बातें हमने बहुत सारी कर ली, एक बार बता देता हूँ फिर हम लोग पीपीटीज पे आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी मैंने क्या बोला था, पहले मैं पूरा समझाता हूँ, तो वही चीज की है मैंने आज, पहले पूरा समझाया है रिवाइज करवाया। तो देखिए कूलाम्स लॉ के बारे में बताया, तो कूलाम्स लॉ होता है वो किसके लिए लगता है, स्टेशनरी चार्ज के लिए लगता है, कि चार्ज कैसे होने चाहिए, स्टेशनरी होने चाहिए, दो पॉइंट चार्जेस होने चाहिए, और एक बात और बताई थी, क्या बताई थी बोलो, स्पेरिकल सिमेट्री होती है, चार्ज सिमेट्री होनी चाहिए, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव नेचर्स होता है, दोनों चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन के क्या होता है, प्रोपोर्शनल, और उनकी डिस्टेंस के स्क्वायर के कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अर्थात एफ बराबर आता है के क्यू वन क्यू टू बटे आर स्क्वायर, जहां पे के को कहा जाता है कूलामीय कांस्टेंट, और जिसका मान जो होता है वो होता है 9×10^9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, इसे सेंट्रल फोर्स भी कहते हैं, यानी कि ये फोर्स जो लगता है दोनों चार्जेस के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगता है। आगे बात समझ में, फिर मेरे बच्चे बताया मैंने इस तरीके से आप जो है वो फोर्सेस को बना सकते हो कि दोनों चार्जेस जो है वो लाइक चार्जेस हो जाए तो एक दूसरे से दूर जाएंगे, अर्थात क्या होंगे, दुश्मन, अनलाइक चार्जेस होंगे तो वो क्या बन जाएंगे, फ्रेंड्स, तो एक दूसरे की तरफ लगेंगे। एफ वन टू क्या था, वन पे दूसरा लगा रहा था, एफ टू वन क्या था, टू पे क्या लगा रहा था, वन लगा रहा था, दोनों के मैग्नीट्यूड क्या होते हैं, सेम, ठीक है, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या होती है, अलग अलग, जो एक वेक्टर के तरीके से बतानी है। चलो बच्चा के बारे में बताया, फिर एप्सिलॉन आया जो परमिटिविटी था, क्या था, परमिटिविटी, परमिटिविटी क्या करती है कि दो चार्जेस के बीच में कभी भी कुछ भी मीडियम भर दे तो वो फोर्स को कम करने का काम करती है, तो पहला काम तो यह अगर कुछ भरे ही नहीं, एयर रखे, यहाँ क्या रखे, वैक्यूम, उस केस में एप्सिलॉन को मिनिमम रखते हैं 8.854×10^-12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, जिसे कहते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम कहा जाता है, उस केस में फोर्स मैक्सिमम आता है। अब क्या करते हैं, धीरे 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 हम लोग जो केक एप्सिलॉन की वैल्यू को बढ़ाना शुरू करते हैं मीडियम के अंदर, तो फोर्सेस कम होना शुरू हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर हम लोग डिवाइड करते हैं, एक रिलेशन आता है ये वाला, ये ध्यान रखना कि अगर आपसे ये वाला रिलेशन पूछे या ये वाला रिलेशन पूछे, दोनों एप्सिलॉन आर यहाँ के इक्वल होते हैं। चलो ये मैंने बताया, वापस एक रेंज जो है वो इन्फिनिटी बताए, ये कुछ डिस्टेंस पे लगते हैं और ये मेडिएटेड होते हैं फोटोन से, ये इंपॉर्टेंट लाइन एग्जाम में पूछी गई, ये ध्यान रखना। वेक्टर फॉर्म बता दिया, क्या करो, डायरेक्शन लगा दो, एक यूनिट वेक्टर लगा दो, और वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर क्यूब इंटू आर वेक्टर्स। फिर पोजीशन वेक्टर से भी बताया मैंने, ठीक है, ये सवाल हम लोग डीपीबी में या कहीं पे करेंगे तो सारे सवाल बताएंगे, ठीक है। आगे देखो बेटा, ध्यान से समझो, ये मैंने बता ही दिया कि अगर आप एक सिंगल चार्ज की बात करें ना तो वो मीडियम के ऊपर कोई डिपेंड नहीं होता है, लेकिन जब पूरे सिस्टम की बात करोगे ना तो नेट फोर्स के ऊपर मीडियम का डिपेंड पड़ेगा, ये ध्यान रखना। चलो इसको सेव कर लेते हैं पहले, फिर हमारी पीपीटी को खोलते हैं।
चल पी ले पानी पी ले केटली। वो देखो लंच बॉक्स की तरफ चलने लग गया। रुक जा, अभी मॉर्निंग 10 ही नहीं बजी है, लंच बॉक्स की तरफ देख रहा है। भुक्कड़ कहीं का खा खा के कितना पतला होगा समझ ही नहीं आता। तो गुलाम्स लॉ के बारे में पूरा पढ़ लिए, वापस एक बार रिवाइज करेंगे थोड़ा थोड़ा सा, और कुछ नई चीज़ आएगी तो वो भी समझाएंगे, क्योंकि मेरा टारगेट हमेशा रहता है कि आपको बिल्कुल नई चीज़ देना। तो सबसे पहले जो है, हम लोग गुलाम्स पढ़ने से पहले फोर्सेस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो देखिए फोर्सेस के बारे में पढ़ने से पहले फोर्सेस को डिवाइडेड करते हैं। तो आप लोगों ने क्लास 11th पढ़ी होगी, पढ़ी ना? बेसिकली गुलाम्स अभी स्टार्ट हो रहा है, पहले पूरा वो ज्ञान भरा है तुम्हारे अंदर खोपड़े के अंदर। मैं पहले यही करता हूँ, पहले पूरा ज्ञान भरता हूँ फिर चीज़ को वापस स्टार्ट करता हूँ, समझे? तुम्हारे क्या एक सीधा भागने की आदत है, तुम तो एक दिन में ना टॉपर बनना चाहते हो। चित्रांग जानते हो ना? चित्रांग कौन है देख लेना, चित्रांग मुरेडिया लिखना नेट पे क्या कहता है वो, हाँ देख लेना भाई। चलो तो फोर्सेज जो है वो क्लासिफाइड होते हैं दो प्रकार से, एक कॉन्टैक्ट फोर्स और एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कौन कौन से होते हैं बेटा? एक होता है हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स और एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी कि दो चीज़ों के कॉन्टैक्ट होने पर फोर्स लगना और दो चीज़ों के कांटेक्ट नहीं होने पे फोर्स लगना। तो कांटेक्ट फोर्स हमेशा दो बॉडीज के कांटेक्ट से लगेगा, और नॉन कांटेक्ट फोर्स जो है वो दो बॉडी के कांटेक्ट से नहीं लगेगा। अब देखिए कांटेक्ट फोर्स में कौन कौन से आते हैं, हमने जो पढ़े भी थे फ्रिक्शन फोर्सेस पढ़ा था। दो बॉडी जो है जब मोशन में या स्टैटिक होती है तो उनको एक फोर्स जो है वो रोकता है, इसे स्टैटिक फोर्स कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। जो दो प्रकार के थे स्टैटिक और डायनेमिक, रुकी हुई है तो स्टैटिक फोर्स फ्रिक्शन आ जाएगा, और बॉडी जो मोशन में है तो कौन सा डायनेमिक जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है ना? चल नॉर्मल रिएक्शन पता है ना कि जब दो वस्तुएं रखी हुई है तो एक दूसरे के ऊपर नीचे परपेंडिकुलर फोर्सेज लगाती है, पहले दूसरी पे दूसरी पहली पे, तो वो कौन सा फोर्स है? नॉर्मल रिएक्शन, अभिलंब अभिक्रिया बल, और ये घर्षण बल। देखो बड़ा आके काट रहा हिंदी वाला, घर्षण बल अभिलंब प्रतिक्रिया बल। इसमें कौन कौन से थे नॉन कॉन्टैक्ट के अंदर? एक तनाव बल टेंशन फोर्सेस, रस्सी से किसी भी ऑब्जेक्ट को अब लोग जो है वो फिक्स कर देते हैं तो उस केस में लगता है। ग्रेविटेशन फोर्सेस नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, उसके बाद में मैग्नेटिक फोर्सेस जो होता है वो भी एक नॉन कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है? और अब चलो अपन आते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा वाला भी कैसा फोर्सेस है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ध्यान रखना। अब आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के बारे में, स्थिर वैद्युत बल के बारे में। चलो देखो स्थिर वैद्युत बल क्या, एक चार्ज है पॉजिटिव नेचर का, दूसरा है नेगेटिव नेचर का, ठीक है? तो इनके बीच में एक फोर्स लगेगा, क्या इन दोनों का कांटेक्ट हो रहा है क्या? ये थोड़ी सी डिस्टेंस पे तो है, ऐसा तो नहीं बिल्कुल एक दूसरे के टच है। ये इसको याद कर रहा है कि बोल रहा है याद आ रही है, ये बोल रहा है मेरे को भी तेरी याद आ रही है, चल आजा मिलने। और का देखो खुश हुआ जो साले पढ़ लो। चलो तो ये इसको बुला रहा है और ये इसको बुला रहा है, दोनों दोस्त है अच्छे से, ठीक है? तो अब क्या हुआ, ये इससे मिलने जा रहा है और ये इससे मिलने जा रहा है, क्या इन दोनों का कॉन्टैक्ट है क्या? कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है। फिर देखो तो क्या हुआ, एक साइंटिस्ट थे, देखो आपके साइंटिस्ट साहब की फोटो भी लगाई मैंने, जानते हो कौन है? गुलाम है ये, कितना खूबसूरत दिखता होगा ना, तुम सोचते होंगे इंस्टा आईडी में इसके बहुत सारे फॉलोअर्स होंगे, और ज़्यादा नहीं सोचना। चलो तो इसका नाम है, एक फ्रेंच के साइंटिस्ट थे जिसका नाम था चार्ल्स ऑगस्टिन डे गुलाम, कितना अच्छा और प्यारा नाम है, चार्ल्स ऑगस्टिन डे गुलाम। तुम्हारी तरह नहीं झिंगूर और वो
गोपी चंद, लाल चंद, वो नाम नहीं है, क्या नाम है? चार्ल्स ऑगस्टिन डे कुलाम्स। इन्होंने एक लॉ दिया, क्या दिया? लॉ। और वो लॉ किसके लिए दिया? नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस के लिए। किसके लिए दिया? नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस के लिए, जिसे कहा गया कुलाम्स लॉ ऑफ फोर्सेस। क्या कहा गया? कुलाम लॉ ऑफ फोर्सेस, यानी कि बलों का कुलाम नियम कहा गया। देख लो आराम से ना, बहुत क्यूट है ना, बहुत क्यूट प्यार। बचपन में कैसा दिखता होगा? बहुत अच्छा स्मार्ट दिखता होगा ये, ना देखो तो बचपन पे चले गए। चल अब आगे देखो, इसके नेचर्स मैंने आपको बता दिए, दो पॉइंट के बीच की नेचर्स, रिपल्सन और अट्रैक्शन, वही बात लिखी हुई है। इज स्टेट दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच में जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव और अट्रैक्टिव नेचर का होगा, यही बात लिखी हुई है। देख लो, मैं साइड में जाता हूँ, कैमरा थोड़ा सा क्या हो जाता है, इनविजिबल हो जाता है, क्योंकि मैंने मेरे पे फोकस कर रखा है। आगे बात समझ में? तो क्या कहा कि फोर्स जो है वो अट्रैक्शन और रिपल्सिव नेचर का होगा दो पॉइंट के बीच में। फिर देखना ध्यान से, चलो 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 चलो, वही बात है जो मैंने बोली थी, ध्यान से पढ़ो। इलेक्ट्रिकल चार्ज एट रेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, दोनों चार्ज के मल्टीपल के प्रोपोर्शनल होता है और उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और कहाँ लगता है? दोनों लाइन को ज्वाइन करने पर वहां पे जो है वो लगता है। वही बात यहाँ पे लिखी, वो ये पढ़ लीजिए, ठीक है? मैं वापिस पढ़ के नहीं बताऊंगा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। चलो, ये रहा एक चार्ज है क्यू वन, दूसरा है क्यू टू चार्ज, इनके बीच की डिस्टेंस आर। एफ किसके प्रोपोर्शनल? क्यू वन क्यू टू के। एफ किसके इनवर्टली प्रोपोर्शनल? वन अपॉन आर स्क्वायर। एफ प्रोपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। एफ बराबर आता है के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, जहां पे के क्या होता है? वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन। सब चीजें बता दी गई है, ये देखो एफ बराबर वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन क्यू वन क्यू टू बटे आर स्क्वायर। ये जीरो जीरो कुछ नहीं है, ये यहाँ है, ध्यान रखना। जहां एप्सिलॉन नॉट क्या होती है? परमिटिविटी ऑफ एयर और फ्री स्पेस, बोला था कि नहीं बोला था? ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है, वापिस भी बता रहा हूँ, फास्टली फास्टली हो रहा है तुम्हारा। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट निकालना हो तो क्या हो जाएगा? ये यहाँ कर दो, सही लिखा है क्या? बिल्कुल, एप्सिलॉन नॉट आएगा वन अपॉन फोर पाई एफ मल्टीप्लाई क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। ये वाला भाग यहाँ नहीं आता क्या? इससे क्या तुम्हें थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, शिफ्ट नहीं होगा यहाँ पे, होता तो है बट पता नहीं मेरे को। चलो छोड़ो, कोई ना, यहीं से खड़े होकर बता दे। फिर एप्सिलॉन नॉट का मान बताया था 8.854 गुना 10 टू द पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो तो यूनिट ये पढ़ी यहाँ पे, कुछ लोग सोच रहे हैं सर यूनिट लिखना भूल गए, ये पढ़ी देखो बेटा, कितनी है? कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर यूनिट है इसकी। क्या हुआ रे भाई, आगे क्यों नहीं जा रहे? तो चलो ये देखो, थोड़ा सा बता देता हूँ, इसमें आपको मैग्नीट्यूड तो चाहिए फोर्स का, और साथ में क्या चाहिए बेटा? डायरेक्शन भी चाहिए। फोर्स कैसी क्वांटिटी है पता है ना? स्केलर नहीं है, चार्ज स्केलर है। फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए कूलाम जो है वो वेक्टर फॉर्म भी कहलाता है। और उसकी वेक्टर फॉर्म क्या होती है बता दी गई है, बताऊंगा नहीं। ये चार्ज क्यू वन है, दूसरा चार्ज क्यू टू है, दोनों के बीच के डिस्टेंस आर है, ये दोनों की नेचर सेम है, तो ये रिपल्सन फोर्स लगेगा एफ वन टू, वहां पे रिपल्सन फोर्स एफ वन टू लगाओगे तो एफ वन टू होगा। देखो मैंने यही बोला, फर्स्ट ऑन वन ड्यू टू टू पे लगेगा बाई टू, तो पहले पे लग रहा है, लगा कौन रहा है? दूसरा लगा रहा है, जिसका मान क्या बताया? वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ आएगा ये नॉट, यहाँ होगा क्यू वन क्यू टू अपन आर क्यूब आ गया, तो वहां आपके पास में एक वेक्टर आर आएगा। ठीक है, ये रहा वेक्टर एफ वन टू है, तो इसने क्या लिखा? आर टू वन लिखा, क्या लिखा? आर टू वन, टू से वन पे, यानी टू को फाइनल पे लिया और वन पे इनिशियल लिया, तो फाइनल माइनस इनिशियल। मैंने भी यही कहा था, मैंने सीधा ही आर वन टू लिखा था, और मैंने क्या बोला था? आर वन टू, तो टू कौन है बेटा? टू यहाँ पे इनिशियल माना और वन माना फाइनल। तो इसने, इन्होंने क्या किया
इन्होंने सीधा ही 1-2 रखा उसको, 2 वर्ड लिखो। इससे अच्छा आप ये देखो कि जब फोर्स के बारे में बात कर रहे हो तो 1 लगा रहा है दूसरे पे, और आर 1-2 हो तो दूसरा जो है वो दूसरे के कारण किस पे लग रहा है, पहले पे। तो ये इनिशियल हो जाता है और ये फाइनल हो जाता है। ये बात मैं बता चुका हूँ, वापिस बताने की जरूरत आप लोगों को नहीं है, इंटेलिजेंट बच्चे हो। आ गई वापिस वही बात, यही वही चीज लिखी हुई, R12 और R21 निकालना आना आपको अच्छे से चाहिए और कुछ भी नहीं। ये भी पता है R12 जो है वो -R21 के बराबर होता है। एक सेकंड, हेलो हेलो, चलो हो गया यहाँ पे। अब देखो ध्यान से, वही सेम चीज़ है वापस, मैग्नीट्यूड तो दोनों का भी सेम ही रहता है। चलो क्वेश्चन पे आ जाओ। कूलम्स फोर्सेस इज ट्रू ओनली फॉर चार्जेस, कौन से चार्ज के लिए था, मूविंग, स्टैटिक, बोथ या नॉन स्टैटिक बोला था, क्या बोला था, स्टैटिक, स्टैटिक आ जाएगा। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इज टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैट। तो क्या आ जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, इक्वल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इज ग्रेटर देन। तो अट्रैक्शन और रिपल्सन के लिए फोर्स कैसा आना है, बोलो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आना है। क्वेश्चन क्या है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, सही तो है ना, चार्जेस के कैसा रहेगा, प्रोडक्ट के ही तो प्रोपोर्शनल होगा। द कंडीशन दैट वुड सेटिस्फाई फॉर कूलम्स लॉ, इट इज ओनली ट्रू फॉर स्टैटिक चार्ज, इट्स एक्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस कंसिडर बी पॉइंट चार्जेस, इट इज ट्रू फॉर मूविंग चार्जेस, बहुत ए एंड बी। तो दोनों बातें सही लिखी गई है, ये बात गलत है, मूविंग चार्जेस के लिए नहीं होता। थोड़ा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो थ्योरी पूरा कूलम्स का खत्म करवा दिया मैंने जितना हो सकता, तो मेहनत करिए बच्चों, आज की क्लास बहुत अच्छी लगी हुई, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। अभी इलेक्ट्रिसिटी की समस्या खत्म हो जाए फिर लाइव क्लास लेना स्टार्ट कर देंगे अच्छे से। आज बिल्कुल शांति से क्लास लिए मैंने और बहुत अच्छे तरीके से लिए। ठीक है बच्चों, विदा लेते हैं, राधे राधे, अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है, और ध्यान रखिए सर्दी बहुत ज़्यादा है ना, तो एसी के नीचे कम बैठना, ठीक है ना, ध्यान रखना सर्दी के अंदर, ठंड लग जाएगी, दूसरी वाली ठंड लग जाएगी फिर देख। चलो अच्छा, तो पढ़ो मस्ती से, निराश नहीं होना लाइफ, दुनिया में हर चीज़ आप लोग जो है वो कर सकते हो, ठीक है। डेली डेली मोटिवेशन नहीं दूंगा, वो देख मोटिवेशन का नाम सुनते ही। चलो ठीक, चलो बाय, ओके, राधे राधे।